तो पेश है ब्लेज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक न्यू अपडेट हमारे Mi 11X पोको F3 और रेडमी K40K डिवाइस के लिए। तो इस वाले अपडेट में क्या खास आपको मिलने वाले हैं, क्या चेंज लॉग्स, क्या कर्नल यूज़ किया गया है और कैसे आपकी परफॉर्मेंस है, उसकी बात करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे अंतु बेंचमार्क स्कोर्स, CPU थ्रॉटल और गीगबेंच के स्कोर्स वगैरह आपको मेजर करके बताऊँगा कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो इस बार जो आपको मिलने वाला है वो कर्नल वर्जन आपको 4.19.245 पे अपस्ट्रीम्ड इमेंसिटी एक्स कर्नल यूज़ किया गया है, जो आपको 5th ऑफ जून 2022 के सिक्योरिटी अपडेट के साथ मिलता है। साथ में ब्लेज वर्जन आपको वर्जन 1.2 देखने को मिलता है, एंड्रॉयड वर्जन आपको 12L देखने को मिलता है और साथ में स्टेटस बार में आपको रिफ्रेश रेट के ऑप्शन मिल जाते हैं। FPS इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता, FPS के लिए आपको डिवाइस को रूट करके FKM यूज करना पड़ेगा। तो जो आपको स्टेटस बार में जो लिस्ट मिल रहा है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है, थर्मल प्रोफाइल आपको मिल रहे हैं, स्टोरेज के आइकन्स आपको यहाँ पे ऐड किया गया, बाकी सारे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी इसमें एडेड है। स्क्रीन रिकॉर्ड आप इसमें करोगे और स्क्रीन रिकॉर्ड के टाइम पे इशू नहीं है आपका लैग वगैरह, तो वो काफ़ी अच्छी बात है, आपको मिल जाता है। सिस्टम में आपको सिस्टम के अपडेट मिल जाते हैं, सिस्टम इज अप टू डेट यहाँ पे शो कर रहा है। हालांकि अभी कोई अब सिक्योरिटी अपडेट नहीं आया है, तो शायद आपको OTA अपडेट इस वर्जन में मिले। बैटरी में आपको थर्मल प्रोफाइल मिल जाता है, तो थर्मल प्रोफाइल में आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को उनके प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर सकते हो। बेंचमार्क के एप्लीकेशन को आप बेंचमार्क पे सेट कर सकते हैं, गेमिंग के गेमिंग पे, और नॉर्मल स्ट्रीम वाले एप्लीकेशन को स्ट्रीमिंग पे सेट कर सकते हो। बैटरी यूजेज आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको बैटरी के टेम्परेचर भी देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग के टाइम पे भी आपके डिवाइस का जो हीटिंग इशू है वो इसमें आप फेस नहीं होता, हीटिंग इशू आपको काफ़ी कम मेजर करने को मिलेगा। सिक्योरिटी में आपको फेस एंड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और बाय डिफॉल्ट आपको जो डिवाइस मिलता है वो इनक्रिप्टेड मिलता है। सिक्योरिटी अपडेट भी आपको 5th of June का ही देखने को मिलता है और प्ले स्टोर की सिक्योरिटी अपडेट भी जो आपको मिलते हैं, प्ले स्टोर अपडेट वो भी आपको ओल्ड मिल जाता है। नोटिफिकेशंस वगैरह में आपको कोई यूज से कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलते, बल्कि और साउंड भी आपको डॉल्बी एटमस यहाँ पे गायब है, डॉल्बी एटमस का सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है आपको और बाय डिफॉल्ट टच साउंड्स भी आपको मिल रहे हैं, टच के वाइब्रेशंस वगैरह भी आपको मिल जाते हैं साउंड के सेक्शन में। देन वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, तो वॉलपेपर भी आपको ऑन डिवाइस एक ही वॉलपेपर देता है, तो आपको एक वॉलपेपर से ही काम चलाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आप जो इसमें जो पहले से एक अदर्स वाले रोम में जो होते हैं कि आपको थोड़े से वॉलपेपर कस्टमाइज़ के लिए देता है, लिविंग वॉलपेपर्स वगैरह, तो वो आपको इसमें नहीं मिलता। ब्लेज हाउस में आपको एक ब्लेज हाउस नाम का कस्टमाइजेशन सेंटर आपको मिल जाएगा, जिसमें आप हेडलाइन, बॉडी फॉन्ट, फॉन्ट साइज, आइकन शेप वगैरह ऐड कर सकते हो। ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाता है, जिससे आपकी नेट की स्पीड, डाउन स्पीड और अप स्पीड आपको मिलने वाली है। बैटरी स्टाइल्स आपको वो वाईफाई का आइकन स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, सिग्नल के आइकन स्टाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, साथ में QoS पैनल से रिलेटेड भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। लॉक स्क्रीन से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं हाइड QoS वगैरह, पल्स वगैरह, जो म्यूजिक का कस्टमाइजेशन सेंटर वर्जुअलाइजेशन है वो आपको मिलता है। सिस्टम में आपको वॉल्यूम रॉकर वेक, वाइब्रेट ऑन कॉल वेटिंग, वाइब्रेट ऑन फॉरवर्डिंग, वाइब्रेट ऑन आंसर, ये सब आपको ऑप्शन मिलते हैं कॉल के रिगार्डिंग में। डिस्प्ले में जो आपको मिलता है वो भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम रिफ्रेश रेट ही मिलता है और 90 FPS यहाँ पे मिसिंग मिलता है, बट इन गेम आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। बाय डिफॉल्ट ये 90 FPS को सपोर्ट करता है इन गेम, बट आपका डिस्प्ले 60-120 Hz में ही रन करने वाला है। साथ में आपको पर ऐप रिफ्रेश रेट मिल जा रहा है, तो आपको पहले से ही आप सेट कर सकते हो कि आपको अपनी एप्लीकेशन को 60-120 रन करना है, तो आप 60 और 120 के बीच सेट कर सकते हैं। स्मूथनेस के मामले में ये रोम काफ़ी मस्त है और जो डायलर मिलता है वो भी आपको ब्लेज का ही डायलर मिलता है, गूगल डायलर यहाँ पे आपको मिसिंग मिलने वाला है।
और इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शन हैं आई होप, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिम को ऑफ करके रखा है यहाँ पे, तो आपको कॉलिंग यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बाकी जो आपको बेंचमार्क एप्लीकेशंस है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है कैमरा, तो वो भी आपको एक मतलब कि काफ़ी ओल्ड आउटडेटेड आपको कैमरा का एप्लीकेशन मिल जाता है, बट कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। आप जी कैम इंस्टॉल कर सकते हो, BSD कैमरा आप गूगल पे सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे मेरे जाके वहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, बेस्ट BSG और जी कैम कैमरा। CPU थ्रॉटल का जो आपको स्कोर मिलने वाला है वो 13 मिनट की रनिंग पे, 13 मिनट की रनिंग पे आपको CPU थ्रॉटल जो होता है वो 86% तक होता है। मैक्सिमम GIPS जो मिलता है आपको 2,44,429 GIPS, एवरेज जो मिलता है आपको 2,31,229 GIPS मिलता है, और मिनिमम जो आपको GIPS मिलने वाला है वो 1,63,278 GIPS मिलता है। तो जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है CPU थ्रॉटल में, मैक्सिमम टाइम मैंने रन किया वो काफ़ी बेहतर है। Geekbench 5 का स्कोर भी आपको काफ़ी डाउन देखने को मिलता है, सिंगल कोर स्कोर आपको अच्छा है बट मल्टी कोर स्कोर आपको ज़्यादा डाउन देखने को मिल जाता है। अंतुतु 5 का स्कोर आपको नेक्स्ट लेवल काफ़ी मस्त मिल जाता है, जो आपको 6,94,181 देखने को मिलता है। तो Geekbench 5 का स्कोर सॉरी Geekbench 5 नहीं, आपका अंतुतु जो स्कोर है, अंतुतु बेंचमार्क, वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। CPU थ्रॉटल आपको स्कोर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और अंतुतु स्कोर आपको काफ़ी बेहतर मिल रहा है, बस आपको एक Geekbench 5 का जो स्कोर है वो आपको काफ़ी डाउन मिल जाता है देखने को। बाकी सारे फीचर्स इसमें काम करते हैं सही से, आपको जो बैटरी का फास्ट चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग भी सही से काम करता है, कोई इशू फेस नहीं हुआ चार्जिंग पे, और हीटिंग इशू भी नहीं होता है। इन गेम आप यदि 90 FPS यूज़ करते हो लॉन्ग टाइम में तो भी वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा फेस नहीं होती है, बट अब बात ये होता है कि क्या आपको इन गेम लैग रेंडर फील होता है, या आपका गेम क्रैश होता स्टक होता है, या फिर आप कोई हार्ड कोर अदर एप्लीकेशन चला रहे हो तो वो आपको लैग या क्रैश होता है कि नहीं। डिवाइस जो आपको मिलता है वो बाय डिफॉल्ट आपको सर्टिफाइड मिलने वाला है, बट जैसे ही रूट करोगे आपका डिवाइस नॉट सर्टिफाइड होगा तो उसको मैजिस्क से सर्टिफाइड कर सकते हो। तो अब चलते हैं गेम पे और देखते हैं इसकी मेन परफॉर्मेंस। इन गेम हमें गेम की लॉबी में ही काफ़ी सारे फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहे हैं, तो अभी जब नीचे जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका रियल FPS क्या देता है। जंपिंग के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ और फिर डाउन हुआ FPS, अभी तो 59-55 तक जा रहा है, नीचे जाने पे और पता चलेगा आपको, अभी और FPS डाउन होने वाला है इसका। तो बस नीचे अब चलते हैं, जैसे ही नीचे नीचे जाओगे आपका FPS डाउन होता जाएगा, और बहुत सारे बंदे उतर रहे हैं, मतलब पूरा सर्वर ही 35 FPS तक इसने भी डाउन किया है, अभी 35-33 तक FPS इसने 29-25 FPS तक डाउन आपको करके देता है, मतलब 25 FPS तक ये आपको डाउन कर दे रहा है। इसलिए साइड में उतर रहा हूँ, काफ़ी लैग कर रहा है तो थोड़ा साइड उतर रहा हूँ, थोड़ा बॉट वाला गेम प्ले खेलूँगा तब जाके शायद हो सकता है FPS आपको सही दे, बट उससे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। जितने ज़्यादा ग्राफिक्स आपको गेम में फेस होंगे, जितने ज़्यादा बंदे आएंगे आपके सामने, जितना ज़्यादा सर्वर होगा उतना ज़्यादा आपका ये गेम रेंडर करने वाला है इस रोम में।
काफ़ी ज़्यादा रेंडर कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है रैम गेम में। एंड प्लस में क्या हो रहा है कि हीटिंग तो बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा। जब आपका डिवाइस फुल्ली आपको 90 FPS देगा तब आपकी हीटिंग इशू ज़्यादा बढ़ेगी, पर इसमें FPS आपको डाउन दे रहा है तो जो हीटिंग है वो भी आपको डाउन मिल रहा है। हीटिंग इसमें फेस ही नहीं हो रहा कि आपका फ़ोन हीट हो जाता है। जैसे कि आप अदर कस्टम रोम जो आपको कॉन्स्टेंट FPS दे रहा हो उस रोम को यदि आप ट्राई करोगे तो वो जो आपको जो हीटिंग देगा वो 47 के एवव देता है, पर इसमें 42 के एवव जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपको ये हीट नहीं देगा और उतना नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। 90 FPS पे हमारा गेम प्ले है, बट यहाँ 57-60 भी आपको कांस्टेंट बहुत रेयर चांसेस में दे रहा है। गेम इतना लैग कर रहा है कि मुझे छुप छुप के खेलना पड़ रहा है, काफ़ी कैंपिंग करके खेलनी पड़ रही है। गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है अभी तो फिलहाल को, मतलब कि आप बूट कैंप पे उतरो, बहुत से लोग हैं जो सैन ऑफ नहीं खेलते हैं, अदर मैप खेलते हैं तो उनका तो नहीं पता, बट हाँ जो लोग सैन ऑफ बूट कैंप वगैरह खेलते हैं उनके लिए कस्टम रूम मैं प्रोवाइड नहीं करने वाला। तो टोटल गेम प्ले देखने के बाद डिसीजन ये है कि ये आपको 90 FPS कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड नहीं करने वाला। स्टेबिलिटी है इस रोम में बट कंसिस्टेंसी की कमी है, गेमिंग कंसिस्टेंसी की कमी है। आपको फ्लक्चुएशन होते हैं, रेंडरिंग इशू होता है आपको, और हीटिंग इशू भले ही कम मिलता हो आपको बट परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलता है। तो पहली बात ये कि यदि आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो तब करो जब आप गेमिंग बहुत कम करते हो, गेमिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, जब आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते हो अपनी गेमिंग को, तब जाके आप इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ये रोम है, आपको म्यूजिक में भी लाउडनेस देता है और गेम का भी जो वॉइस है वो भी आपको लाउड मिल जाता है। प्लस में एम असिस्ट आपका वर्क करता है, बुलेट रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं आपको गेमिंग वगैरह में वो आपका वर्क करता है अच्छे ढंग से, बट आपको कंसिस्टेंसी 90 FPS का सपोर्ट सही से नहीं मिलता और 60 FPS में भी फ्लक्चुएशन इसमें होता है। तो 60 FPS पे भी आपको कांस्टेंट नहीं है हो रहा है, जब आपको ये 25 FPS तक डाउन कर रहा है तो ये आपको 60 भी सही से प्रोवाइड नहीं करने वाला। बेंचमार्क के स्कोर्स काफ़ी हाई हैं बट उससे ये डिसाइड नहीं होता कि आपका बेंचमार्क स्कोर हाई है तो परफॉर्मेंस भी आपका हाई देगा। पर फिर भी यदि आप इस रोम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, टूल्स आपको मिल जाएगा, रोम की लिंक मिल जाएगी, कैसे आपको फ्लैश करना है, हाउ टू इंस्टॉल दिस रोम, उसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी इसी नाम से जो मैंने भी बोला, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप वीडियो देख के इसको फ्लैश करना। और जो लोग ADV साइड लोड की मदद से नहीं करना जानते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के कर सकते हो, बट जिनके पास PC नहीं है, लैपटॉप नहीं है, जो TWRP मेथड से यूज़ करना चाहते हैं वो TWRP से भी डायरेक्ट फ्लैश कर सकते हैं, और जिनको अपना डाटा वाइप नहीं करना वो बिना डाटा को वाइप किए भी रोम को फ्लैश करके डायरेक्ट रिबूट कर सकते हैं, आपका फ़ोन स्टक नहीं होगा। बट यदि आपका फ़ोन स्टक होता है, काफ़ी रेयर चांस है कि यदि आपका स्टक होता है तब जाके आप डाटा को वाइप करना, बट मैंने ऐसा किया है तो मेरा स्टक नहीं हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इसको फ्लैश कर सकते हैं और डाटा को बिना वाइप किए इस रोम को चला सकते हैं, जिससे आपका डेटा भी रहेगा और आपका रोम भी फ्लैश हो जाएगा। तो टोटली ये गेमिंग रोम आपको निखर के सामने नहीं आता, गेमिंग के लिए ये रोम नहीं है। हाँ, नॉर्मल यूजर्स यदि आप डेली ड्राइवर के लिए यूज़ करना चाहते हैं और जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते वो अपनी गेमिंग को, वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेमिंग रोम के साथ।